नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोग इससे पहले मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में अर्थात हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ चुके, पढ़ ही नहीं चुके बेटा 12 राष्ट्रीय उद्यान को हम लोगों ने याद भी कर लिया। उस वीडियो देखा है तो जाइए एमपी पुलिस की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए। आज हम लोग चर्चा किस पे करने वाले हैं तो हम कहेंगे सर आज चर्चा होगी हमारी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और बेटा राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 31। कितनी है? 31। हम सब जानते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य को ही कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आज हमारी जो चर्चा होगी बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर होगी। अब चूंकि सर कितने हैं 31, अगर इसे बार बार लिखेंगे बेटा टाइम लगेगा। केवल आपका टाइम बचाने के लिए हमने इन्हें क्या है एक सूची में क्या कर दिया है बेटा, पिरो दिया है। और अब हम शुरुआत करते बेटा किसकी, तो अपने राष्ट्रीय अभ्यारण्य की। और आपको मिलेगा ये स्क्रीन पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो एक बार पहले मैं इनका नाम बता दूं, फिर अपन इनको करते याद। तो वीडियो के एंड में बताना आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले सर घाटी गांव अभ्यारण्य कहां है? ग्वालियर। करेरा अभ्यारण्य कहां है बेटा? शिवपुरी। सरदारपुर बेटा कहां है? धार। सैलाना कहां है बेटा? रतलाम। चंबल कहां है? मुरैना भिंड। कैंट कहां है बेटा? पन्ना छतरपुर। सोन कहां है? सीधी शहडोल। नरसिंहगढ़ कहां है बेटा? राजगढ़। रातापानी रायसेन। नौरादेही सागर। राला मंडल इंदौर। राष्ट्रीय गांधी सागर कहां है बेटा? मंदसौर नीमच। बोरी वन्य जीव होशंगाबाद। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर। मयूर झाबुआ। कामधेनु कहां है बेटा? आगरमालवा। और सर ओरछा कहां है? निवाड़ी। गंगाऊ कहां है? पन्ना। वीरांगना दुर्गावती कहां है बेटा? दमोह। लेकिन ये रानी कहां की है तो हम कहेंगे मंडला की। वगडरा कहां है बेटा? सीधी। पनपठा उमरिया सैडोर। पेट सिवनी छिंदवाड़ा। पचमढ़ी होशंगाबाद। काली भीत बैतूल। मानधाता खंडवा। सुरमेनिया खंडवा। कैन मंडला। ये कैन नहीं है बेटा, ये क्या है तो हम याद रखेंगे सर फैन है। इसके बाद सिंघोरी रायसेन। कर्मझीरी सिवनी। और खेवनी कहां है? देवास और सीहोर। अब देखो बेटा ये आपको याद कैसे होंगे, अब दिखाते अपना जादू। पर याद कैसे होंगे इस बात को हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। और अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, क्योंकि इसकी कुछ ट्रिकें ऐसी हैं जो पिछले वाले वीडियो से बेटा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले घाटी गांव अभ्यारण्य बेटा कहां है? ग्वालियर। तो घाटी के गांव मतलब भेड़ के गांव, इनमें कहां होंगी बेटा? गलियां होंगी और गालियां होंगी, तो ग्वालियर यानी गलियारे होंगे ना ग्वालियर। और भगवान शिव कहां रहेंगे बेटा? शिवपुरी यानी कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत कैसा है बेटा तो हम कहेंगे सर करारी करारी घाटी है। कैलाश पर्वत में कैसी है तो हम लोग कहेंगे सर करारी करारी घाटी है। तो सीधी बात है करारी घाटी पे हमें को मिल गए बेटा तो हम कहेंगे करारी घाटी पे शिव, तो हो गया शिवपुरी। और सरदार का कहता है बेटा तो हम कहेंगे सरदार की धार तेज है। सरदार को होता है बेटा पंजाबी, और पंजाबी इनके पास तलवार की धार कैसी है तेज, तो कछु नहीं है। घाटी के गांव में मिलेंगी गालियां, ग्वालियर हो गया बेटा। करारी घाटी पे को मिलेंगे शिव, तो शिवपुरी है। सरदार के पास का है बेटा धार तेज। एक ही याद रखने पापा का कहते हैं सालाना आम लाते हैं, आम से रतलाम और सालाना से क्या हो गया बेटा सेलाना। चंबल वाला का है तो चंबल के केलाएं फेमस को है बेटा, बागियन केलाएं तो भिंडौर मुरैना। कैन, अब कैन वाले को देखो पन्ना और छतरपुर, याद कैसे होगा उसे देखते हैं। तो सीधी बात यह है बेटा हम लोगों ने देखा था कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर था, तो हमने कहा सर पन्ना प्लस कहां है बेटा छतरपुर। हमने एक ही बात पूछी तुम्हारी रफ को पन्ना फट जाए तो उड़के कहां जाएगा बेटा छत पे, तो पन्ना और छतरपुर हो गया। अब मही तुम्हारी बेटा पानी की कैन धरी भरी भराई, और कैन को पानी निकलो और पन्ना होगा खराब, और कैन में कहा तो गंगा जल, तो याद रखियो गंगऊ। तो गंगऊ अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों ही कहां है तो पन्ना और छतरपुर जिले में है। कहां पर है बेटा तो हम कहेंगे सर पन्ना और छतरपुर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बेटा आगे बात करें सोन घड़ियाल वाला कहां है? सीधी और शहडोल। तो सीधी बात जो है बेटा हम लोगों ने देखा था डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, हमने की डूबे को जो सीधे है काय डूबे नदी के किनारे डोल लाई तो सहडोल, और बाद में जांच काई की सीजी की, ये पिछले बारे में करवा दिया। अब जैसे ही सीधे आदमी डूब के बेटा खत्म भाई, पूरे गांव में एक ही चर्चा थी कि जो डूब कैसे गए,
ये तो सीधो हतो कबू जात नहीं है। तो सब लोगों को पता चलो ये सोने के चक्कर में गए हैं, तो सोने के चक्कर में सीधे आदमी फंस के डोल डोल के मच जाते हैं। तो सोन सीधी और काय बेटा शहडोल में। अब एक तो बेटा नर ऊपर से सिंह, तो नरसिंहगढ़ का नरसिंह जो है ना भगवान, बिनको राज पूरे गढ़ में चलेगा। तो नरसिंह को राज कहा है बेटा पूरे गढ़ में, तो नरसिंहगढ़ हो गया राजगढ़। अब तुम्हें कहा है राय को मतलब क्या होता है बेटा राय, तो याद रखियो राय को मतलब सर सलाह। अब एक ही बात याद रखियो, तुम्हें सलाह को देगा तो बढ़िया ही देगा। हाँ का सलाह दी गई रात के पानी नहीं पीने, ऐसी कहा दी गई बेटा राय, तो राय सेन काय नहीं पीने क्योंकि रात के टाइगर आ जाता है। तो सबरे राष्ट्रीय उद्यान में इकलौता राष्ट्रीय उद्यान, वो इकलौता राष्ट्रीय अभ्यारण जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट है, वो कौन सा है बेटा राता पानी। तो राता पानी अभ्यारण रायसेन, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट है। याद रखियो तुम्हें राय काई की दे दी है, रात के पानी नहीं पीने टाइगर आ जाएगा। अब आ जा नौरा देही, नौरा देही बेटा कहा है सागर। और हमें पता है सर जो नौरा है सांप बाय काट ले तो मत नहीं। अब हमने दिमाग लगा जो मर का ही नहीं रहा, तो पता चलो नौरा को जैने ही सांप ने काटो वो अपनी पूरी देह पूरा शरीर काय में धोए के आए बेटा सागर। और सागर को पानी क्या सो खार और नमक को बिनको जहर निकलगा। अब बताओ दुनिया में सागर से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा हो गया बेटा, तो हम लोग कहेंगे सागर। तो बताओ नौरा ने अपनी देह कहाँ धोई जाए के, तो हम लोग कहेंगे सर सागर में जाके धोइए। आगे बात करेंगे राला मंडल, तो ये कहाँ है बेटा इंदौर। अब सीधी बात है पहले गाना थे तंडोला मंडोला, अब याद रखो आजकल तो है नहीं, अब कौन है वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी। सीधी बात है तंडोला मंडोला जो गाना है इंदौर के नहीं है, जावाले दौर के नहीं है, बावाले दौर के थे। तो तंडोला मंडोला कौन से दौर के, इंदौर के, इंदौर के तो नहीं है, तो इंदौर होगा। और मंडला कमंडला होता तो ना, अब बताओ सागर बड़ो है तो छोटो का है कमंडल, तो सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा हो गया बेटा, तो हम कहेंगे सर यही राला मंडल। अब आ जाओ गांधी सागर, और गांधी सागर बेटा कहाँ है मंदसौर और नीमच। हमें बताए गांधी जी ने देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया, एक कवि ने लिखा भी है आधी आजादी का बापू तुझको ही अकदार कहूंगा, और कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है और उसी गुस्से में किसी गौड़से का मंदिर बन जाता है। तो बताओ गांधी जी की हत्या किसने की है, नाथूराम गौड़से। कहा याद रखने गांधी जी कहाँ मारे गए हैं, नीम के नीचे, तो मारवे से मंदसौर नीम के नीचे, और बाद में बिन पे सौर डाल दी गई, जाई डाल दी, तो मंदसौर और नीमच। अब बताओ हमने तुमसे कही तुम्हें होश बाद में कब आता है, तो जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया तब बताया सतपुड़ा, अगर सात पुड़ा खाएंगे तो होश बाद में आएंगे। होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। या बेटा एक बोरी वजन धर दे तुम्हारे ऊपर, एक बोरी वजन धरेंगे तब अब होश तुम्हें बेटा बाद में ही आएंगे। कट्ठी बाड़ा खटिया किनके बाड़े में मिलेंगी, अली के राज में, तो कट्ठी बाड़ा को खट्टी बाड़ा कर लो, खटिया किनके बाड़े में, तो याद रखेंगे अली के राज में। अब आ जा बेटा मयूर अभ्यारण, मोर का अभ्यारण कहा है बेटा, तो हम कहेंगे झाबुआ। तो हमारे यहाँ बुआ कब आती है बेटा सावन में, और मोरव कब आते हैं बेटा सावन में। याद रखोगे जैसी ही बुआ आएंगी तो बिन से मम्मी क्या करेंगी, झाड़ू लगवाएंगी। तो झा से झाबुआ और मोर, तो याद रखियो मोर और बुआ एक संग ही आती हैं, तो मोर झाबुआ और कौन सा हो गया बेटा, तो हम कहेंगे मयूर अभ्यारण। अब हम लोग बढ़ते बेटा आगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे कौन सा है, तो हम कहेंगे सर काम धेनु गो अभ्यारण कहा है आगर मालवा। सीधी बात ये है जिनपे काम धेनु नाम की गाय है, अगर बिन पे जे गाय है तो बता माल की को कमी होगी ना, तो नहीं होगी। अगर माल की कमी नहीं है तो काय अगर मालवा, कशु नहीं है। घाटी के गांव में काय ग्वालियर, तो काय बेटा गालियां और गलियारे, तो ग्वालियर। करारी घाटी पे को मिले भगवान शिव, तो शिवपुरी हो गया। सीधी बात है सरदार की धार कैसी है बेटा तेज है। पापा सालाना का लेके आए आम, सालाना सैलाना आम से कावा बेटा रतलाम। चंबल के लाए फेमस को है भिंड मुरैना, तो चंबल वाला। कैन कहाँ धरी थी छत पे, जहा पन्ना उड़ के गाओ पन्ना और छतरपुर। सोन सोने के चक्कर में को मरे सीधे नदी के किनारे, डोल रहे सीधी और सहडोल। नरसिंह के गढ़ में राजकुन को है, तो बिनको खुद को ही है राजगढ़।
रात के पानी नहीं पीने ऐसी राय दी गई, राता पानी का होगा बेटा रायसेन। क्यों? क्योंकि इसमें सर कौन आने वाला है? टाइगर। तो टाइगर प्रोजेक्ट के अभ्यारण में है राता पानी। नौरा ने अपनी देख कहां धोई बेटा? सागर में। सागर से बड़ो तो कोई है ही नहीं, तो सबसे बड़ा मंडोला तंडोला इंदौर को नहीं है, बा वाले दौर को गाना है इंदौर। गांधी जी कहां मारे गए? नीम के नीचे। और बाद में बिन पे सौर डाल दी, तो नीमच और मंदसौर। एक बोरी वजन में तुम्हें होश, बाद में हॉस्पिटल में ही आओ। खटिया किनके बाड़े में? तो याद रखियो अली के राज में। और हमने तुम्हें पढ़ा हो तो शिवानी बाड़े में बैठ के कहा दे रही है मार, तो वो शिवनी के लिए। अगर मोर आएंगे तो जालंग को आ जाएंगे बेटा बुआ। और जालंग काम धेनु गाय है, तो तुम पे को माल की कमी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ओरछा अभ्यारण कहाँ है बेटा? निवाड़ी। और जे बताओ तुम्हारी रक्षा को करेगा? केवल तुम्हारी खुद की बॉडी, और कोई नहीं कर सकता है। तो ओरछा अभ्यारण कहाँ है? निवाड़ी। और रक्षा को करेगी? तुम्हारी बॉडी करेगी, तुम्हारा शरीर तो होगा निवाड़ी। गंगाऊ अभियान तो बता बेटा, जब पन्ना छत पे गाओ ना, तब कैन में काय को पानी है, तो गंगा को बिन नहीं तो खराब करो। तो जी बेटा कहाँ है? तो हम कहेंगे पन्ना खराब है गंगा के पानी से। गंगाऊ वीरांगना दुर्गावती कहाँ है बेटा? दमोह। कहाँ पर है बेटा? दमोह। तो अब का याद रखने, जो वीरांगना दुर्गावती है जो बताओ बिन में दम है क्या? नहीं है ताकत। तुम कहोगे सर है, तो दम है। दम है को मतलब ये क्या? दमो। अच्छा बग डरा, खुद बताओ डरेगा को? जो सीधे हैं चाणक तो काउ से नहीं डर रहे। कौन डरा? तुम कहेंगे सीधे, तो हो गया बग डरा सीधी। पन पठा, अब जो बताओ हमने तुम्हें कल बांधव पढ़ाया था, बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर था बेटा? तो हम कहेंगे उमरिया। तो हमने एक ही बात पूछी, अगर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन बांध दे तो तुम क्या कहोगे? उमरिया। अगर जावाले पे नहीं कहोगे तो जब तुम्हें पांच पट्ठा ने अगर तुम्हें बेटा का कर लाओ अगर घेर लेंगे ना, तो तुम क्या कहोगे? उमरिया। अब पट्ठा तुम्हें पांच दुश्मन के जालंग बालंग फुटबॉल की नहीं उड़लाएंगे, और तुम जालंग बालंग डोलोगे। तो पनपटा कहा है बेटा? उमरिया और शहडोल। तो पांच पट्ठन ने जब घेरे तो तुमने कहा कही उमरिया। अब जालंग बालंग डोल रहे, निकल नहीं पा रहे, तो होगा शहडोल। पेच कुन्ने दाओ कल पड़ा था, शिवानी ने काय में अपने बाड़ी में बैठ के, और बाद में छींके वही थी, तो छिंदवाड़ा होगा बेटा। अगर तुम्हें मिल जाए पांच मड़ी तो होश बाद में आएंगे। तो सात कुड़ासे एक बोरी से और पांच मड़ी मिल जाए, कनक कनक ते सौ गुना मादकता अधिकाय, तो होश बाद में आएंगे, फिर तुम्हें को नहीं लग रहा। अब आ जा बेटा थोड़ी नीचे कालीवीत। अब देखो कालीवीत ऐसे समझ लो, तुम्हारे यहां आएगा बेटा मामा के लड़का, और खूब बेकत है भब्बर बुआ के लाड़ले। अब तुम कहा नहीं कर पा रहे, बिन से कछु कह नहीं पा रहे, कि मम्मी तुम्हारी सुटाई लगाएंगे। तुम बिने बढ़िया अपने ट्यूबवेल पे ले गए, और भीत के पीछे ले जाए कि अंधेरे में तुमने बिन में का करे बैत बजाए। अब घरे का पतो चलो कि काली भीत के पीछे तुमने काकद्दा बिन में बैत बजाए, तो काली भीत के पीछे का बजाए अपन ने बैत, तो का होगा बेटा बैतूल। मान दाता भगवान शंकर है, इनकी पिंडी की पूजा करता है। बाय का कहते हैं बेटा हिंदी में, अपन शुद्ध गांव की भाषा में खंडा। सुर मेनिया, सुर तुम्हारा कब निकलेगा? तुमने खंडा की पूजा करी हो, वो तुम्हारे पाए पे गिर पड़ो, तो तुम्हारी ई निकल जाएगी। तो जाए कहा कहेंगे बेटा सुर मेनिया। सुर कब निकले? जब खंडा गिर गया हमारे ऊपर। कैन नहीं है बेटा, याद रखना ये फैन है, और फैन कहाँ है बेटा? मंडला। तो फैनों ऊपर टंगोर आता है कमंडलों ऊपर, और दो ऊपर वाले, तो फैन कहाँ होगा बेटा? कमंडला। सिंगोरी बेटा कहाँ है? रायसेन। तो अव्याल बताइए थी ना तुम्हें, तो राय दही गई, रात के पानी नहीं पीने, ये राय कुन्ने दही है, एक अघोरी बाबा ने दही है, कुन्ने दही है अघोरी। तो ये हो गया बेटा कहाँ? रायसेन। कर्म झीरी, कर्म कुन के खराब है शिवानी के काय, अपने बाड़ी में बिन्ने बैठते रही, तो कर्म झीरी। खैबनी को याद रखो, खैनी, खैनी को मतलब होता है अपने यहाँ बेटा पुड़िया राजश्री। अब अगर कोई खैनी खाए वो, तो वो तुम्हें का दे सकता है अकेली बास, तो जे का होगा देवास, और जे बात सही है कि नहीं है? सही है बिल्कुल। दोबारा से एक भी रिवाइज करे ले रहे, खैनी खाए के तुम्हें का दी गई है बेटा बास, तो देवास। कर्म झीरी, कर्म कुर के खराब है शिवानी की बाड़ी में बैठ के मार दही, ठीक है। सिंगोरी अगोरी बाबा ने राय दही थी, तो राय से ने। फैन कांटंग कमंडल की नहीं ऊपर, सुर कवे निकले खंडा के नीचे दबी, मान दाता भगवान शंकर खंडा की पूछा, काली भीत के पीछे का करी तुमने बैत बजाए दे, तो बैतूल होगा। पांच मड़ी मिली तुम्हें को नहीं लगो, होश तुम्हें बाद में आए जब रुपया खर्च हो गए। पेच कुन्ने मारो शिवानी ने कहा बाड़ी में बैठ के, इतने पेच तुम्हें दे कि इनकी छींके निकल गई, तो छिंदवाड़ा। पांच पट्ठा मिले पन पठा, तो तुम्हें बेटा तुमने कहा कि देखत कोई उमरिया, अब तुम जालंग बालंग डोल रहे भग नहीं पाए रहे। बग डरा, डरा कौन? जो सीधा है। दुर्गावती में दम है तो दमो। गंगाऊ पानी ने क्या किया? पन्ना खराब। और तुम्हारी रक्षा कौन करेगी? खुद का शरीर। तो इसे तो अपन
भगवान कहता है पहला सुख निर्मल काया और दूजा सुख संतन की माया। पहला तो जे हमारा शरीर हमारा संग देवो, इसके बाद काम धेनु गाय अगर है तो माल की को कमी नहीं, तो हो गया कौन सा बेटा आगर मालवा। और बेटा मांगे बढ़ जाए तो मयूर मोर जब आए तो को आएगी हमारी बुआ, तो बुआ से झाबुआ मयूर हो गया। खटिया किनके बाड़े में, तो हम कहेंगे अली के राज में। और मार कुन के बाड़े में, तो शिवानी के, तो छिंदवाड़ा है। बोरी एक भर के धद्दे भजन की तो होश बाद में होशंगाबाद। गांधी जी काम आ रहे गए नीम के नीचे और ऊपर से का डाल दी सौर तो मंदसौर। राला मंडल मंडोला तंडोला इंदौर को गाना नहीं है, इंदौर को नहीं है। नौरा ने अपनी देह कहां धोई थी बेटा सागर में, तो सागर सबसे बड़ा। रात के पानी नहीं पीने ऐसी राय सलाह दी गई तो रायसेन। नरसिंह के गढ़ में राज पूरे सवन को बिन कोई चल रहा हुए। सोने के चक्कर में को मारे जाता सीधे जालंग वालंग डोल के। कैन कहां धरी है जब पन्ना गाओ तो छत पे। चंबल के लाए फेमस कौन है बेटा, तो याद रखेंगे भिंड मुरैना वाले। सालाना पापा क्या कर रहे बेटा आम ले आए तो रतलाम। सरदार की धार कैसी है बेटा तेज। करारी घाटी पे कुन को मंदिर भगवान शंकर को। और घाटी के गांव वाले कहा देंगे वहां लंबे लंबे गलियारे, तो क्या होगा बेटा ग्वालियर, या गाली देंगे तो ग्वालियर। ठीक, तो ये बेटा हम लोगों ने क्या किया अभी तक 12 राष्ट्रीय उद्यान 31 अभ्यारण्य याद कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें इन सारी चीजों को पुलिस के लेवल का अभी फिर से कह रहे हैं जे मत सोचिए थोड़ो सो कम है, अगले एक महीना में नंबर हमें लेने हैं। तो फिलहाल पुलिस का, जैसे ही पुलिस खत्म होगी MPSI, फिर आप खुद ही देख लेना कंटेंट कितना तंगड़ा हो सकता है। तो बढ़िया से जुड़ जाओ, अच्छा लगा है दवाई के शेयर करो, मिलती है अगले वीडियो में।